हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डोबरमैन कितने तरीके के होते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे से सुना होगा, डोबरमैन हम बात करते हैं, एक हो गया आपका अमेरिकन, एक हो गया आपका यूरोपियन, लेकिन चार तरीके के डोबरमैन मैंने थंबनेल में इस चक्कर में लिखे क्योंकि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आपके पिंशर टाइप में कि डोबरमैन पिंशर भी हो गया, जर्मन पिंशर भी हो गया, मिनिएचर पिंशर भी हो गया, ठीक है, तो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देख लो जिससे कि आप लोगों के साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे छोटे डॉग ब्रीड मिनिएचर पिंशर। मिनिएचर पिंशर डॉग ब्रीड को इसलिए कहा जाता है डोबरमैन क्योंकि उनका जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि वो रियल में डोबरमैन का मिनिएचर वर्जन है, जो कॉम्पैक्ट वर्जन होता है ना सबसे ज़्यादा, वो वर्जन है डोबरमैन का। इसी के चलते उसे मिनिएचर पिंशर कहते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव डॉग ब्रीड होती है। कई बंदे सोचते हैं कि ये इतनी ज़्यादा एक्टिव डॉग ब्रीड नहीं होगी, नॉर्मल डॉग ब्रीड होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिएचर पिंशर हद से ज़्यादा एक्टिव डॉग ब्रीड होती है। अगर आप इसे प्रॉपर टाइम दे सको और सोशलाइज करा सको तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। रिजेम्बलेंस इनकी पूरी डोबरमैन के तरह ही होती है। छोटा वर्जन इसलिए कह रहा हूँ, दिखने में आप कह नहीं सकते। अगर आप इनकी फ़ोटो देखोगे सिंगल सिंगल तो आप कह नहीं पाओगे कि ये डोबरमैन है या फिर मिनिएचर पिंशर है, इतने ज़्यादा रिजेम्बलेंस खाते हैं ये। अब हम बात करते हैं दूसरे डॉग ब्रीड जो कि होगा हमारा जर्मन पिंशर। देखो, अगर आप लोग सेपरेट वीडियो देखने चाहते हो इनकी तो मैं आपको आई बटन में लिंक डाल दूंगा जिधर से जाके आप इनके हर एक पर्टिकुलर जर्मन पिंशर, डोबरमैन पिंशर और मिनिएचर पिंशर की प्रॉपर वीडियो देख सकते हो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पे हम लोग खाली बात कर रहे हैं इनके बारे में जिससे कि आप लोग अंदाज़ा लगा सको। अब हम बात कर रहे थे जैसे कि जर्मन पिंशर के बारे में। जर्मन पिंशर के बारे में देखो, ये एक इस टाइप की डॉग ब्रीड आ जाती है जैसे कि मीडियम साइज़ की डॉग ब्रीड कह सकते हैं हम इसे परफेक्टली। ये स्मॉल साइज़ की भी नहीं होती जैसे कि मिनिएचर पिंशर हो गया, ना फिर ये इतने ज़्यादा लार्ज साइज़ के होंगे जैसे कि आपके डोबरमैन हो गए। ये आती है बीच में जर्मन पिंशर। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे गार्ड डॉग का काम इजीली कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड है। और देखने में ये भी सेम यूरोपियन डोबरमैन के टाइप के दिखते हैं। जैसे कि आपका जर्मन पिंशर हो गया यूरोपियन टाइप में, आपका मिनिएचर पिंशर हो गया आपका अमेरिकन डोबरमैन टाइप में, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कई बंदों को काफ़ी ज़्यादा शौक भी होता है कि वो मिनिएचर पिंशर पालते हैं या फिर जर्मन पिंशर पालते हैं, या जिनके थोड़ी प्रॉपर्टी की दिक्कत होती है कि वो छोटे घर में रहते हैं या फिर गांव की जगह वो शहरों में रहते हैं, या फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने डॉग के साथ ज़्यादा वॉक पे ले जाएं या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएं, तो वो छोटे साइज़ के डॉग की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो इन टाइप के डॉग की तरफ जाते हैं। मिनिएचर पिंशर की जगह आपका जो जर्मन पिंशर होता है ये गार्डिंग का काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेता है, लेकिन आपका मिनिएचर पिंशर जो होता है वो वहाँ पे खाली आपका वॉच डॉग का काम करता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना कि मिनिएचर पिंशर बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ की डॉग ब्रीड है, आप कभी भी उससे गार्डिंग का काम नहीं करा सकते। वॉच डॉग का काम बहुत बखूबी करते हैं, लेकिन जो गार्डिंग का काम होता है वो यहाँ से शुरुआत होती है जर्मन पिंशर से। जर्मन पिंशर हो गया, उसके बाद आपका डोबरमैन पिंशर हो गया, फिर आपका आता है यूरोपियन डोबरमैन। अब हम बात कर रहे थे जैसे कि डोबरमैन में, तो डोबरमैन में आपको दो टाइप देखने को मिल रही है जो फाइनल डोबरमैन ही कहलाते हैं, रियल डोबरमैन। एक आपको हो गया अमेरिकन, एक आपका हो गया यूरोपियन। डोबरमैन पिंशर होता है अमेरिकन वाला। दोबारा मैं ये चीज़ क्लेरिफाई कर देता हूँ, कभी भी आपको यूरोपियन को अगर कोई सेल कर रहा है कह कि ये हम आपको डोबरमैन पिंशर है, ये यूरोपियन है, तो वो आपको पागल बना रहा है, आपको वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। तो आप लोग इस चीज़ से चौकन्ने रहना क्योंकि जो डोबरमैन पिंशर, जहाँ पे भी पिंशर आ जाता है वो डोबरमैन के साथ, वो आपका अमेरिकन लाइन होता है। आपका डोबरमैन खाली लिखा जाए सिंगल एन के साथ या डबल एन लगता है तब वो आपका यूरोपियन डोबरमैन में काउंट होता है। यूरोपियन डोबरमैन के साथ यूरोपियन डोबरमैन पिंशर कभी नहीं लगाया जाता, या फिर डोबरमैन पिंशर कभी नहीं लगाया जाता। ये आप किसी भी बंदे की वीडियो उठा के देख लो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देता। मोस्टली अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख लोगे कोई भी बंदा ये चीज़ नहीं बताएगा। लोग आपको दिखा देंगे दोनों ही डॉग का मिक्स दिखा देंगे, ये देखो ये यूरोपियन और अमेरिकन का मिक्स है, ये आपको मिल जाएगा, जो कि 60-70% यूरोपियन होते हैं वो वाले, और उनके भी 50-60 हज़ार रुपये मांगते हैं वो सब बिल्कुल ही फ्रॉड है। वो आपको ईजिली 20-25 थाउजेंड में ईजिली मिल जाएंगे। ईजिली का मतलब बहुत आसानी से मिल जाते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के ढूंढने जाओ तो। और जो 100% यूरोपियन की बात होती है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, वो 50,000 प्लस ही जाएंगे। 50,000 भी एक स्टार्टिंग प्राइस बताया मैंने आप लोगों को, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना अगर आप डोबरमैन की तरफ जा रहे हो तो। बाकी दोनों ही डॉग काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं डोबरमैन में, गार्डिंग पर्पज़ से भी और फैमिली के लिए भी, लेकिन यहाँ पे अमेरिकन डोबरमैन थोड़े ज़्यादा सूटेबल रहते हैं फैमिली के लिए कंपेरेटिवली यूरोपियन डोबरमैन के। यूरोपियन डोबरमैन एक
हार्डकोर गार्डिंग डॉग ब्रीड है, जिसे कि अगर आप लोग गार्डिंग के लिए इस्तेमाल करोगे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। वो फैमिली के लिए भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है फैमिली के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन उनका एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। आप उन्हें ईजिली रख नहीं सकते कि एक छोटे स्पेस में रख रहे हो या फिर आप ईजिली उसे हैंडल कर पा रहे हो, ये चीज़ नहीं आती। लेकिन वहीं पर आप अमेरिकन डोबरमैन को आप काफ़ी ईजिली रख सकते हो। अमेरिकन डोबरमैन को आप घर में ही ट्रेनिंग दे सकते हो, वो घर के लिए भी अच्छा रहेगा, वो थोड़ा मोड़ा गार्डिंग का काम कर लेगा। ऐसा नहीं है कि वो यूरोपियन की तरह करेगा, लेकिन वो आपका एक गार्डिंग का काम करके दे देगा। ऐसा भी नहीं होगा कि वो आपका गार्डिंग का काम नहीं कर रहा, जितने की आपको नीड होगी उतना वो गार्डिंग का काम भी कर देगा, फैमिली के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन अब स्ट्रक्चर वाइज बात करते हैं तो आपका यूरोपियन डोबरमैन हैवी होता है, जैसे कि आपका जर्मन पिंचर होता है, और मिनिएचर पिंचर लाइट होता है, कंपेरेटिवली दुबले पतले होते हैं। वैसे आपके अमेरिकन डोबरमैन भी दुबले पतले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट का डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इनकी चेस्ट में और इनकी नेक का डिफरेंस आ जाता है, लेग्स का भी डिफरेंस आ जाता है। जो इनके रेयर लेग्स होते हैं यूरोपियन डोबरमैन के, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, चेस्ट भी हैवी होती है, नेक भी हैवी होती है, और इनका हेड भी काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है कंपेरेटिवली अमेरिकन डोबरमैन के हिसाब से। जैसे कि हम बात कर रहे थे पिंचर में भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि जर्मन पिंचर होते हैं उनका भी हेड काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, नेक भी थिक होती है, और उनकी चेस्ट भी डीप होती है, जिसके चलते तभी मैंने आप लोगों को बोला था ये काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस खाते हैं यूरोपियन डोबरमैन से, ना कि अमेरिकन डोबरमैन से। अमेरिकन डोबरमैन से खाते हैं ये मिनिएचर पिंचर रिजेम्बलेंस काफ़ी ज़्यादा। अब इनके प्राइस की बात कर लेते हैं, मैंने आपको यूरोपियन का तो प्राइस बता ही दिया, अमेरिकन डोबरमैन आपको ईजिली मिल जाएगा 10,000 प्लस से ही स्टार्ट होता है, 10,000 के अंडर में आपको देखने को काफ़ी कम ही मिलेगा। 10,000 के अंडर आपकी क्वालिटी में चांसेस होते हैं कि भाई उसकी क्वालिटी लो हो, तो आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की, तो वहां पे आप लोग ये लेके चलो कि आपको 10,000 प्लस से ही पपी स्टार्ट होएगा, जिसकी क्वालिटी एक अच्छी क्वालिटी कह सकते हैं, मतलब एवरेज क्वालिटी से ऊपर के पपी आपको स्टार्ट हो जाएंगे। जर्मन पिंचर का प्राइस वेरी करता रहता है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है जो कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जर्मन पिंचर आपको इस प्राइस रेंज का मिल जाएगा पर्टिकुलर, या फिर ये प्राइस रेंज है। जर्मन पिंचर का प्राइस वेरी करता रहता है, और शायद आपको ब्रीडर ढूंढने में भी दिक्कत आ सकती है जर्मन पिंचर का पर्टिकुलर, तो आप लोग कोशिश करना ऐसी जगह से लो जहाँ पे आपको प्रॉपर अश्योरेंस हो, या फिर वो बंदा काफ़ी टाइम से जर्मन पिंचर में काम कर रहा हो, या फिर अगर आप कोशिश करते हो कि आपके नोन टू में कोई हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, वहाँ पर आपको एक अश्योरेंस मिल जाता है कि भाई ये बंदा हमारे नॉन टू में ही है, तो ये हमें धोखा धड़ी नहीं करेगा, ये हमें अच्छा ही पपी निकाल के देगा, तो वो अपने हिसाब से आपको एक बेस्ट क्वालिटी का पपी आपको हैंड ओवर कर देंगे। अब हम बात करते हैं मिनिएचर पिंचर की। देखो मिनिएचर पिंचर कई लोगों को लग रहा हो भाई काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट करेगा, काफ़ी कम कॉस्ट करेगा, इनका जो प्राइस होता है वो आपको 15-20,000 में स्टार्ट हो जाता है, ईजिली आपको मिलने लग जाएंगे। इस प्राइस रेंज में आप ईजिली रख सकते हो, लो मेंटेनेंस की डॉग ब्रीड है, हाँ थोड़ी सी एक्टिव डॉग ब्रीड होती है, लेकिन आप इन्हें अपार्टमेंट में रख लोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। जर्मन पिंचर में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, अमेरिकन डोबरमैन में भी दिक्कत नहीं आएगी, ये तीन डॉग ब्रीड को आप इजीली अपार्टमेंट में रख लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो यूरोपियन डोबरमैन है वो अपार्टमेंट के लिए सूटेबल डॉग ब्रीड नहीं है, इसे प्रॉपर लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी जो आपका मिनिएचर पिंचर, जर्मन पिंचर और आपका अमेरिकन डोबरमैन, ये भी स्पेस की रिक्वायरमेंट मांगते हैं, लेकिन आप इन्हें अपार्टमेंट में रख के थोड़ी बहुत बाहर एक्सरसाइज कराओगे तो भी आप इजीली रख सकते हो। खासकर अमेरिकन डोबरमैन को ज़्यादा एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होती है, और जर्मन पिंचर को। मिनिएचर पिंचर को आप इजीली घर में भी एक्सरसाइज करा लोगे या फिर छत पे खिला लोगे तो भी इनका काम चल जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा दूर तक वॉक कराने की ज़रूरत है, छोटी मोटी वॉक पर आप ले जाओगे तो भी काम चल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड है, आप इन्हें ईजिली रख सकते हो घर पर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई भी इंडियन डॉग ब्रीड है और आप उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, आप लोगों की वीडियो ही फीचर की जाएगी आपका एक्सपीरियंस के साथ कि देखो हमारे पास ये डॉग ब्रीड है, हमारा एक्सपीरियंस इस डॉग ब्रीड के साथ पर्टिकुलर ऐसा रहा। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप इस तरीके की सीरीज़ देखना पसंद करोगे नहीं करोगे, क्योंकि आप लोगों ने इंडियन डॉग ब्रीड की सीरीज़ को काफ़ी सारा प्यार दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी इंडियन डॉग ब्रीड की सीरीज़, तो आई बटन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप जाके देख सकते हो इंडियन डॉग ब्रीड की सीरीज़, या फिर आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाके भी देख सकते हो डॉग जंक्शन के। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है फ्यूचर में भी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों।